फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 9 सितंबर और कल रात तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके उस पर हम बात करेंगे, जितनी भी न्यूज़ से बनने वाली हमारी करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर को हम स्टैटिक जीके में आपका साइंस टैक हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी से रिलेट करते हुए, इकोनॉमिक्स सबसे जो रिलेट करते हुए जो देखेंगे। और अपना देखो पेन कॉपी साथ में रखिए और मैप को देखो मैपिंग से जहाँ मैपिंग की जरूरत होगी वहाँ मैपिंग कराएंगे, अच्छे से नोट डाउन करते हुए समझते चलना है। और क्लास की जो PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जुड़ जाइए और वहाँ आपको आपको मिल जाएंगे सारे जो PDF वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो फोरेंसिक साइंस इन इंडिया। तो ये फोरेंसिक एनालिसिस क्या होता है, तो इस देखते हैं। देखो भाई, CID जो सीरियल में है ना, डॉक्टर सालू के जो है दिखाई दे रहे हैं, ये डॉक्टर सालू के जो ये, तो इन्होंने सोनी पर आने वाला है ना, ये सबसे बड़ा जो याद है जो आने वाला सीरियल है, बहुत लंबे से समय से चल रहा है ये। वो क्राइम सीन की जो जांच के लिए डॉक्टर सालू के जो लैब यूज जो जांच करते हैं उसके बारे में इस तरह के, देखो ये जो वो है उससे इस तरह की होती है फोरेंसिक लैब। तो भारत में जो न्याय में देरी में लगभग जो 450 करोड़ जो मामले लंबित है भारत में, इसके लिए सीधे हम जो न्याय के लिए न्यायपालिका को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो क्या इंपोर्टेंट कंप्यूटर से सब कुछ देखेंगे इसका था। तो व्हेनेवर द हियर अबाउट द फोरेंसिक साइंस वी इमेजिंग द CIDs, तो CID के बारे में देख सकते हैं डॉक्टर सालू की हेल्प द, तो ये हेल्प करते हैं ना द, जब हम जो फोरेंसिक विज्ञान के बारे में सुनते हैं तो CID की कल्पना करते हैं कि भाई हाँ इस तरह का होता है। जैसे होता है ना कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमने देखा तो है नहीं, तो जैसे भाई टीचर है बना के दिखलाता है हमें कि भाई हिमालय पे गए नहीं हो तो पहाड़ बना के दिखा ले, तो इसलिए तो ये हमें एकदम से हमारे माइंड में जाते हैं, इसकी कल्पना करते हैं कि जहाँ पर डॉक्टर सालू के प्रयोगशाला अपने जो लेजर शॉप से जो फोरेंसिक जो अंतर्राष्ट्रीय के लिए जांच कर दल की जो टीम से तेजी से मदद लाने में मदद करते हैं। तो देखते हैं फिर क्या है आगे। तो व्हाट इज द फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस क्या है, फोरेंसिक विज्ञान जो कानून की एक ऐसी अदालत द्वारा जाँच के लिए वैज्ञानिक जो तरीकों और जो तकनीकों का अनुप्रयोग है, और फोरेंसिक विज्ञान जो आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो एलिमेंट ऑफ द फोरेंसिक जो साइंस, क्या क्या एलिमेंट होते हैं इसके, तो सामान्य जो फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में निम्नलिखित शामिल है, कौन कौन से हैं, फोरेंसिक आणविक जो जीव विज्ञान, तो DNA, तो DNA में हो जाएंगे, तो फोरेंसिक रसायन शास्त्र होगा इसमें, और जो ट्रेस सबूत परीक्षण जैसे बाल हो गया, फाइबर हो गया, पेंट हो गया, और पॉलिश हो गया, कांच मिट्टी आदि जो इसमें समाते हैं, तो गुप्त फिंगरप्रिंट होते हैं वो भी, और अग्निशस्त्र जो टूल मार्क्स जो होते हैं जितने भी, और लिखावट विश्लेषण की जो मान्यपत्र किसी ने कुछ पत्र लिखा है या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और जितने आग विस्फोटक परीक्षण होते हैं, डिजिटल साक्ष्य जिसमें मान लीजिए कहीं आपका उसमें कंप्यूटर वे या यूज तो नहीं करा इस तरह का, तो सब चीज़ इसमें आती हैं। तो इसमें और इनकी है ना भाई देखो कमी है इंडिया में, तो सारी चीज़ों को टॉपिक बड़ा अच्छा है, देखते हैं इसको हम कि क्या है ये, व्हाट इज़ द इशू क्या है। तो आपराधिक न्याय करने के लिए प्रदान करने के लिए इतनी उन्नत तकनीक होने के बावजूद जो पीड़ितों और परिवार के लिए न्याय नहीं मिलता, भी जो इतनी मतलब जो इतनी एडवांस है फिर भी न्याय नहीं मिलने का कारण क्या है, जबकि जो आपराधिक सड़कों पर घूम रहे हैं तो क्यों है। तो ये शोकनीय जो चौंकाने वाला जो एक खुलासा है, हाल ही में सूचना के अधिकार RTI में एक प्रश्न के लिए पर जो फोरेंसिक सेवा निदेशालय द्वारा उत्तर दिया में बताया गया, यह पता चला है कि फोरेंसिक जांच के लिए हर साल प्रयोगशाला में रिपोर्ट भी लगभग 50% से अधिक मामले लंबित और जो अनसुलझे रहते हैं। तो चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, गुवाहाटी और भोपाल स्थित जो 6 केंद्रों में फोरेंसिक प्रयोगशाला के लिए सच है ये कि वहाँ पर जो इतने जो उस लेवल की नहीं है। और सबसे देखो यहाँ पे जैसे देखो भारत में न्यायाधीश की देरी जो न्याय की देरी होने के कारण 450 करोड़ जो करोड़ जो मामले लगभग लंबित है, इसके लिए सीधे हम जो न्याय के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं न्यायपालिका को। एक सबसे बड़ा जो रीजन इसमें जो आता है जो हम देते हैं कि न्यायाधीशों की कमी है, कि इंडिया में न्यायाधीशों की कमी, इस कारण जो भी न्याय जल्दी से नहीं मिल पाता। और भारत में न्याय देरी के या विलंबित न्याय है कारण एक ये भी है, देखो इसके लिए जो निकल के आ रहे थे फोरेंसिक एनालिसिस नहीं हो पाता, बेहतर नहीं हो पाता, जिससे आपराधिक जो गिरफ्तारी से जो टाइम से नहीं होती वो छूट जाता है, क्योंकि बहुत टाइम तक देखो फोरेंसिक जो जितने भी क्लूज हैं जैसे बाल हैं या ये हैं तो ये कुछ दिन बाद बेकार होने लगते हैं, तो सब कुछ फिर जो वो जो रिपोर्ट आएगी वो नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो भारत में न्यायपालिका के लिए भी इस तौर पर जो 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं,
इसमें जो 4 करोड़ जिला न्यायालय स्तर पर लंबित है और कई जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के अभाव में लंबित है, जो फॉरेंसिक जो वो ही नहीं आती, तो इससे बन सकता है क्वेश्चन कि राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी सर्वोपचार है, क्या है तो इसके बारे में है। तो पूर्वाग्रह जो मुक्त और जो त्वरित जांच में अधिकार संविधान जो आर्टिकल 21 के तहत नागरिक का अधिकार है कि वो जांच कराने का। तो गुणवत्ता और समय पर जो फॉरेंसिक विश्लेषण के मामले रीढ़ हैं, यदि हो जाती है तो भी उन्हें सजा हो जाएगी, नहीं तो देखो वो अपराधी और अपराध करता रहेगा। तो फॉरेंसिक मामलों के अनुसूचित संचालन के कारण जो सभी मामलों में जो 35-40% की सुनवाई लंबित है, उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो और यहाँ पे जो डिले होने का कारण क्या है, यहाँ पे जैविक और जो रासायनिक प्रकृति के साक्ष्य जो प्रदूषण और हेर फेर की जो गुंजाइश होती है, इसमें जो रासायनिक प्रक्रिया में त्रुटि बढ़ जाती है और जिसमें मामले असर पड़ता है। अनोदर इश्यूज क्या है भाई, देखो प्रयोगशाला में फॉरेंसिक जो विज्ञान में प्रशिक्षित कर्मचारी भी भारी कमी है, तो उनको भाई नॉलेज नहीं है इस तरह की, तो इससे जो इन लैब और जांच के धीमा कर दिया जाता है कि जांच करेंगे तो फिर जो धीमा होगा, यह भारत में फॉरेंसिक साक्ष्य की कमी का योगदान है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, भारत में न्याय व्यवस्था जबरदस्त दबाव में है, हमें न्यायाधीश से जो जनसंख्या अनुपात में बढ़ाने की जरूरत है, फिर जनसंख्या वहाँ भी न्यायाधीश भी बढ़ने चाहिए, ये बोलते हैं कि न्यायाधीश कम है, न्यायाधीश की संख्या कम है, वास्तव में इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। समय पर जो फॉरेंसिक प्रसंस्करण में कमी के कारण जो लंबित मामलों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनको जो इस तरफ भी ध्यान दो कि फॉरेंसिक लैब नहीं है हमारे। जो ब्लूमबर्ग की एक नवीन जनगणना के अनुसार जो मार्च 2022 में अंत में यूनाइटेड किंगडम के पीछे जो पछाड़ कर भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था बनाए, तो ये दूसरा टॉपिक है भाई हमारा कि भाई ब्लूमबर्ग में ना दुनिया की जो भारत की जो भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं जो अर्थव्यवस्था बनाए, तो इसको देखते हैं। तो इसमें देखो टॉप में फिर सबसे पहले US, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर इंडिया। तो देखो इन्हें जो इंडिया इनको जर्मनी को इनको पीछे छोड़ सकता है, इसको छोड़ सकता है। देखो इसके लिए इस पे यहाँ पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ए मेजर जो अचीवमेंट ऑफ इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक विशेष रूप से दो शताब्दियों तक जो भारतीय उपमहाद्वीप का शासन करने वाले अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना एक प्रमुख मील का पत्थर है कि भाई जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं उन्होंने, हमारे पे राज के अंग्रेजों ने, और आज हम उन्हीं को जो पीछे छोड़ रहे हैं, तो एक अपने बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि अभी कुछ स्थानों पर ध्यान रखने की जरूरत है, उनके ध्यान रखेंगे क्यों, क्या कारण है, हमें जो ब्रिटेन से छोड़ा, हमने ब्रिटेन को छोड़ा 1947 में, हमारी जो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी ब्रिटेन के शासन के, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, ये जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है HD। और देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या है, तो ये हम जो अपने जो ध्यान भाई जो वो है जश्न है मनाओ, ठीक है अच्छा कि हमने पीछे छोड़ा, लेकिन कुछ बातों में हमने ध्यान रखने की जरूरत है, क्या है, आइए जो 5 चार्ट का प्रयोग करके जो अर्थव्यवस्था की तुलना करते हो समझते हैं। देखो पॉपुलेशन साइज क्या होता है, दोनों देशों के बीच में जो बुनियादी अंतरों में से एक है वो है 2022 में भारत की जनसंख्या 1.41 मिलियन है, जबकि UK की जनसंख्या जो 68 मिलियन है। तो देखो अब सोचो कहाँ भारत की जो कितनी है 1.41 है और वहाँ UK की क्या है 68 मिलियन में। तो देखो हम बहुत आगे हैं जनसंख्या में, तो इस चीज़ को बाद में ध्यान में रखते हुए, तो जी आज तो हम आगे आ जा रहे हैं लेकिन वही है ना, ये हमें पीछे ले जा सकती है इस तरह से, अभी हमने ध्यान नहीं दिया। दूसरे शब्दों में भारत की जनसंख्या ब्रिटेन की जनसंख्या की 20 गुना है, तो भारत की जनसंख्या है जो ना ब्रिटेन की जनसंख्या की 20 गुना है, तो ये सोचने वाली बात है। और पॉपुलेशन साइज देख लेते हैं एट द चार्ट ऑफ द लॉन्ग साइड्स सो द गैप ऑफ लाइक द ब्रिज ऑफ हरी। तो जैसा कि चार्ट के साथ दिखाया गया है कि इस अंतर को जल्द से जल्द पूरा करना संभव नहीं है, कि हम इसको पूरा नहीं कर सकते, यहाँ देखो ये है यहाँ इंडिया है। दूसरा है GDP पर कैपिटा, दोनों देशों के बीच जनसंख्या का इतना बड़ा अंतर है, प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद आय स्तरों की अधिक जो यथार्थवादी तुलना करने लगता है, क्योंकि यह किसी भी देश की सकल घरेलू उत्पाद उस देश की जनसंख्या विभाजित करता है। और GDP पर कैपिटा, तो यह चार्ट से पता चलता है कि औसत जो भारतीय आय में बहुत कम है, भारत की आय औसत कम है, देखो देखने को मिलती है। और फिर है पॉवर्टी लेवल, थर्ड जो है कम प्रति व्यक्ति आयु अक्सर जो उच्च स्तर पर गरीबी का जो इशारा करती है। उल्लेखनीय है कि जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अत्यधिक जो गरीबी से ब्रिटेन की हिस्सेदारी भारत की तुलना में काफ़ी अधिक थी,
हालांकि जैसा कि बड़ी आज बड़ी बड़ी हैं जो चीज़ें बड़ी हैं और जो सापेक्ष उलट गया है, भले ही भारत के गरीबी का अंकुश लगाने की जो काफ़ी प्रगति की है भारत ने। नेक्स्ट है भाई जो ये पावर्टी लेवल में देख रहे हैं चार्ट, भारत और यूके के अत्यधिक गरीबी हिस्सा दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा SDI वुमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उच्च घरेलू उत्पाद और जो तेज आर्थिक विकास का जो अंतिम लक्ष्य जो मानव संसाधन विकास का होना चाहिए, मानव विकास सूचकांक यानी कि शिक्षा और जो जीवन स्तर पर मानवों में से एक सम्मिलित हैं, अपने सुधार के बावजूद भारत ने को उस स्थान पर पहुंचने के लिए दशक का लग सकता है जो ब्रिटेन 1980 में था, कि जहां हम 1980 में था, अभी जो भारत को कम से कम एक दशक लग जाएगा उसको वहां तक जाने में, तो अपने आप में सोचने वाली बात है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लेते हैं, चार्ट नीचे दिखाया गया है यहाँ पे, और यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो कवरेज क्या क्या है, एक देश में दूसरे अमीर बनने के कारण जो एक महत्वपूर्ण गुण जो तत्व नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जीवन की गुणवत्ता है वह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि UHC इंडेक्स में 0 सबसे खराब है और 100 सबसे सर्वोत्तम पैमाने पर है। प्रजनन जो मातृ जो नवजात बाल स्वास्थ्य संक्रमण रोग जो गैर संचारी रोग और सेवा क्षमता और संयुक्त आवश्यक जो औसत कवरेज इसमें है, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में क्या क्या आ जाएगा, तो देखो ये दिया हुआ ये भी जो पूरा वो समरिंग था चार्ट्स, तो भले ही हम अर्थव्यवस्था के अब जो आकार में यूके को पीछे छोड़ रहे हैं, जब हम जो मुद्दे और गरीबी और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं, कि जो हम इनकी गरीबी की और स्वास्थ्य और इनकी बात करते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है भाई। भारत को मील के पत्थर के लिए इस उपलब्धि के लिए जश्न मनाना चाहिए। अब जो असमानता को कम करने के लिए खाद्य सुरक्षा सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की सुनिश्चित करने और जो यही मानने के लिए इसके साथ जनसंख्या लाभांश प्राप्त करने वाले जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रैंकिंग तभी मायने रखती है जब किसी देश की जनसंख्या सम्मानजनक जीवन स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। तो बात नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट न्यूज है हमारी जो क्या है, बांग्लादेश से रिलेटेड न्यूज है। तो बांग्लादेश की जो PM है जो शेख हसीना जी है वो आई हैं, भारत आएंगी, मतलब चल रहा है उनका दौरा चल रहा है, आने की संभावना क्या चल रही है, तो 5 से 8 सितंबर तो ये कल हो गया, तो इन विषयों पर जो ध्यान देने की जरूरत है, तो जबल जो बंटवारा इन विषयों पर जो ये हमारे जो फोकस विषय हैं इसमें जो जल बंटवारा क्या है और ऊर्जा सहयोग निर्बाध विवाह जो वाणिज्य प्रभाव क्या मेट और जो अधिक कनेक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। मेन फोकस विजिट क्या हुए, तो देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद के मुख्य कारण कौन से हैं, तीसरा जल विवाद है, तस्करी, ये सारी चीज़ें हैं तो इन भी देखेंगे। और सुश्री हसीना की यात्रा के दौरान जो व्यापार के बिंदु होगा उसमें देश के लिए व्यापक आर्थिक जो भागीदारी समझौते CEP को हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, तो ये CEP तो भारत 2026 के लिए शुल्क मुक्त और जो कोटा मुक्त पहुंच सुविधा के लिए तैयार है, क्योंकि जो विकासशील बनने की उम्मीद है और जो कोविड महामारी के दौरान जो सकारात्मक तो विकास दर रखने के लिए कुछ देशों में से एक बांग्लादेश है, किसके बीच सकारात्मक रहे, उसका कारण क्या है, देखो तो उसका कारण जो रहा रोध तो क्यों रही, उसके कपड़ा और उद्योग में निर्यात में लगभग 80% हिस्सा है। बांग्लादेश यूरोपीय कनाडा जैसे ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ नगण्य यानी सूरज जीरो के साथ जो तरही जो व्यापार करता है, तो वहाँ पे इन जो टैक्स नहीं देता तो वहाँ पे जो इसकी जो अच्छी खासी इस पर इनकम होती है। और भारत के लिए ढाका रेडीमेड जैसे कपड़े जैसे उत्पादन के शून्य निर्यात शुल्क है भारत में भी, तो इसकी जो GDP अच्छी ग्रोथ करी है। तो बांग्लादेश ने अपने उत्कृष्ट बिजली और उत्पादन प्राकृतिक गैसों खोज के उत्पादन के लिए फार्मास्यूटिकल्स एवं जो विदेशी प्रेषण में वृद्धि की है, और ये इन्हीं के भी इन क्षेत्रों में देखो वृद्धि की है, इन्हीं की भी कपड़ा वृद्धि हो गया वही है उसका। तो भारत कई तो जो देशों की तुलना में बांग्लादेश की शिशु मृत्यु दर में भी अच्छी है उनके वहाँ पे, और स्वास्थ्य भूख सुख लैंगिक समान जो बेहतर है, और बांग्लादेश में जो वस्त्र क्षेत्र जो बांग्लादेश के निर्यात 80% में लगभग जो सभी महिलाएं 95% और महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना है, तो इसलिए जो देखो ये बात बोली जाती है कि वहाँ पर महिलाओं को जो ज़्यादा आगे आ गई हैं महिलाएं भी, तो यदि महिलाएं संसार का शासन करती हैं तो रूल्ड ये करती हैं, तो ये ऐसे आया हुआ था 2000 UPSC में 2005 में। नेक्स्ट देखते हैं, तो बांग्लादेश भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जिसका जो द्विपक्षीय व्यापार 2009 में $2.4 मिलियन से बढ़कर जो 2020-21 में जो 10.8 मिलियन हो गया। बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे और जो माल का आयात करता है,
जिसका जो और उसका जो निर्यात कर देता है कि भी यहीं से लेता है रॉ मटेरियल और फिर यहीं पे जो बेच देता है यहाँ पे और अलग अलग देश उसमें भी। तो ये सोचने वाली बात है कि भी हमारे पास रॉ मटेरियल है क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते इस तरह से। तो मुक्त व्यापार समझौते के तहत जो बांग्लादेश का निर्यात जो 182% बढ़ गया सकता है, और बांग्लादेश में सेवा क्षेत्र में जो भारतीय विशेषता को लाभ उठाकर जो कई जो विनिर्माण उद्योगों की सुधार सकता है। तो ये देख लेते हैं बांग्लादेश के इसमें जो देखो मैं बताना चाहिए इसके बारे में। तो ये बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू मुक्त व्यापार समझौते के तहत जो बांग्लादेश जो लगभग 100 बढ़ सकता है, और जो ग्रोथ बांग्लादेश में यूरोपीय इनके साथ जो, और इंडिया बांग्लादेश का जो कनेक्टिविटी ये क्या है, भारत कनेक्टिविटी पोलियो अंग्रेज कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई परियोजना लागू कर किया है। तो आसियान बांग्लादेश के साथ कई संपर्क परियोजनाएं इस क्षेत्र में जो है खोल देंगी। बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग परियोजना के लिए कई इच्छा शक्ति व्यक्त करती है। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय जलमार्ग व्यापार को बढ़ावा मिलेगी, और भारतीय जो मोंगल और चटगांव जैसे नगर पर कर सकता है। भारत पूर्वोत्तर के जो बांग्लादेश को बढ़ावा देने के द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में 3 एक्सप्रेस ट्रेन है जो अंतर्राष्ट्रीय सेवा जैसे भारतीय और जो बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। नेक्स्ट है भाई व्हाट इज द इश्यूज, तो इसमें कौन कौन से इश्यूज है भारत बांग्लादेश के बीच में। तो तीस्ता पर पानी जो 1947 विवाद से बना हुआ है, तीस्ता अपने जो गरीब कृषि जल को बनाए रखने के लिए 1980 में जो 12% हिस्सा है बांग्लादेश तीस्ता के लिए मैदान में कुल फसली का जो 14% कवर करते हैं, लगभग जो 7 जो आबादी के लिए आधे से अवसर प्राप्त करते हैं। तो देखो ये दोनों के लिए तीस्ता जो सभी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे भाई जो बंगाल में इंडिया के लिए है और वहाँ पे उनके लिए जो बांग्लादेश में। अब क्या है वो भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं बांग्लादेश, तो इंडिया का जो बांग्लादेश कहता है कि भी 50-50 कर लो, 50 आधा तुम्हारा आधा हमारा। नहीं भारत कहता है कि नहीं 55 हमारा, ये 55 जो है हमारा और तुम्हारा 45। फिर जो 1993 में हुआ समझौता कि भाई ये जो है इंडिया का 39 हो जाएगा, इनका जो बांग्लादेश का 36 हो जाएगा। फिर इस पर भी सहमति नहीं बनी। फिर 2011 में जो बना, तो 2011 के बारे में जो 11 में जो इस पर जो सहमति, देखिए ये क्या है राज्य का विषय है, ये जो है राज्य का विषय है। तो यहाँ पे जो सोचना पड़ता है कि भाई जो राज्य जब तक अनुमति नहीं देगा, जब तक वो केंद्र के राज्य के इसमें जो पैसा, तो जब तक केंद्र को जो राज्य वो नहीं देगा पानी जो है एक राज्य का विषय इस तरह का, तो ये आगे नहीं चल पाया। तो इसलिए जो वहाँ पे केंद्र में जो हमारे राज्य में कौन है, ममता बनर्जी है, तो ममता बनर्जी की सरकार है वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने जो इसका जो सपोर्ट नहीं किया तो ये आगे मामला नहीं हो पाया इसलिए। फिर जो अब देखते हैं अभी नरेंद्र मोदी की सरकार अब क्या होता है। तीस्ता सिक्किम के खास के और जो झीमू ग्लेशियर से निकलती है, और सिंचाई और मछली पकड़ने के लिए बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी सीमा पर है, और 10 मिलियन लोगों का समर्थन करती है। तो ये देखो सारी चीज़ मैंने बता दी। आगामी यात्रा के दौरान जो कम से कम प्रमुख नदी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। और तस्करी होती है यहाँ पे। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मेघालय बांग्लादेश की जंक्शन जो जंक्शन में सुरक्षा व्यवस्था को समीक्षा की, और तस्करी को अनुपकरण करता था। मवेशी तस्कर के लिए भारत के लिए अवैध रूप से जो प्रवेश करने के लिए जो BSF उनसे निपटता रहा है, वहाँ से तस्कर आते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा चाइना, और जो इंटरेस्टेड चाइना क्या है चाइना की तरफ झुकता है। तो ये पड़ोसी घुसपैठ भारत के लिए चिंता का विषय होना है। यहाँ इसके लिए जो बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों का आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बाद जो बांग्लादेश चीन के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार बाजार है। और सुश्री हसीना नरेंद्र मोदी के साथ जो संबंध प्रकार किए हुए हैं, और इसलिए तीसरा जल बंटवारे के लिए और सीमा पर हत्याओं के जैसे समय पहले चला रहे मुद्दों को सुलझाने में विफल रहे हैं। और जो वे ऑफ द फॉरवर्ड क्या है, बांग्लादेश एशिया में सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है, वो समय के लिए की तीन CS की हैं। तो कौन कौन से हैं, कॉरपोरेशन सहयोग, कोलिब्रेशन गठबंधन, और जो कॉन्सुलेशन, तो समय के। और विक्रम नेक्स्ट है भाई, और जो राइटर क्या कहते हैं, विक्रम सिंह मेहता वह सेंटर फॉर द सोशल जो इकोनॉमिस्ट कांग्रेस के पद से जो फेलो हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री 2024 तक जो आत्मनिर्भर भारत के आह्वान किया है। तो देखो आत्मनिर्भर भारत की बात है इसमें,
वह इसको उद्देश्य करने के लिए 9 सुझाव दिए हैं। तो 9 सुझाव कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो वे टू द आत्मनिर्भर 2040, तो ये किस में कौन कौन से हैं? हरित ऊर्जा के लिए लंबे समय तक लगेगा और अमरीकी कारखानों के लिए भाप शक्ति और विद्युत शक्ति के लिए स्थानित होने में 4 दशक लग गए हैं। हमारी नीति को तेल और जो गैस सस्ती और सुरक्षा पर जोर देना जाना चाहिए और घरेलू अन्वेषण को तेज करने के लिए किया जा सकता है और हम तेल और गैस के लिए किफायती दौर पर जोर दे सकते हैं। कि ऐसे नहीं कि भी हम एक डायरेक्ट उस पर आ जाएं ग्रीन एनर्जी पे, ऐसे नहीं, हमें टाइम लगेगा। देखो सब अपने आप आए, उन्हें टाइम लगा है, यूएस को भी लगा है, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और घरेलू अन्वेषण को तेज करना, कार्बन डाइऑक्साइड घरेलू संसाधनों का पता लगाना चाहिए। हमारा जो भूविज्ञान जटिल और जो उच्च जो अन्वेषण और विकास लगातार के लिए हमें पूरी तरह से पता नहीं लगाया जिसपे जो मदद ले सकते हैं। तो हरित ऊर्जा तक पहुंच की प्राथमिकता, नवीकरणीय ऊर्जा हमारे जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। केंद्रीय विद्युत और जो सीईओ के अनुमान के अनुसार जो पवन ऊर्जा 2030 तक जो 830 गीगावाट मछली उत्पादन और जो स्थापित उत्पादन के लिए लगभग 15% का हिस्सा बन जाएगी। और व्हाट इज द इशूज, समस्या यह है कि वस्तुओं के उन केंद्रित पर जो भारत के साथ राजनीतिक परस्पर नहीं है, किंतु हमारे उनसे अच्छे रिलेशन नहीं है। जैसे 38% जो तांबे का जो चिली और पेरू करते हैं, वहीं चीन जो 47% तांबे का गलाने और जो 42% तांबे को शोधन करना काम करता है। देखो दोनों हमारे दोनों से हमारे रिलेशन कैसे हैं सबको पता है। भारत के पास जो कोबाल्ट निकिल और भारी दुर्लभ में धातु में जो संसाधन है, इनके लिए जो खनन और प्रसंस्करण के लिए तेजी लाने के लिए बहुत काम किया है। देखो भारत के लिए घरेलू खनन और बाधाओं को दूर करना चाहिए और बाजार की एकता विकसित को प्रतिस्पर्धा प्रतिकूलन को राजनीतिक और जो करने के लिए विकसित करनी चाहिए। बुनियादी ढांचे का विकास क्या है, ये हमारा जो जर्मनी, तो जर्मनी का देख लेते हैं जो एग्जांपल। सबसे बड़े अर्थव्यवस्था आज खतरनाक स्थिति में, क्योंकि स्पेन द्वारा निर्मित जो एलएनजी आयात पूर्ण समीकरण जो सुविधाओं के लिए पाइपलाइन से जुड़ती है। तो कोई भी जैसे मान ली अभी है जो चल रहा है रूस यूक्रेन का, तो रूस कभी भी धमकी दे देता है कि बंद कर देता है कैसे कोई ना कोई बहाना मार के। तो जर्मनी पूरा डिपेंड है देखो उस पे, गैस पे उसके, तो इसलिए देखो अपने आप में सोचने के वाली बात है। इसलिए जर्मनी के लिए पास रूसी ने जो गैस स्रोत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, भारत के लिए भी विविधता दर्शाता है। गेल भारत के गैस पाइप के ग्रिड के साथ विकास काम कर रही है। हमें जो बुनियादी ढांचे का जो वित्त पोषित करने के लिए, नवीन वित्त पोषित और तंत्र करने के लिए आवश्यकता होगी। हरित प्रोत्साहन क्या है भाई, भारत उत्पादन के लिए सरकार की जो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जो PLI हरित ऊर्जा में निवेश करने के लिए लाभप्रद करती है, उन्वेषकों के लिए अब तक जो उत्साहजनक रही है, इसके लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। मांग और जो संरक्षण दक्षता, हमारे पास जो भारत में जो आरक्षित पक्ष के मुद्दे को ठीक किया जाना चाहिए। ऊर्जा उद्योग मानदंडों को जो मानकीकृत कड़ा किया जाना चाहिए। अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए कानून पर विकास जो विचार करना चाहिए। पुनः जो प्रशिक्षित और जो अपस्किलिंग हरित ऊर्जा प्रणाली में जो प्रगतिशील और परिवर्तन के लिए साथ नौकरियों की प्रवृत्ति उनके साथ जो स्थान बदल जाएगा। धन के लिए गेल रिंग का जो रखरखाव श्रमिकों द्वारा कम और खेतों के लिए तकनीशियों के लिए अधिक हो सकता है। ऊर्जा कूटनीति क्या है, हमारे जो राजनीति को अपने जो एजेंडा को जो दो में है ऊर्जा में कूटनीति को शामिल करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा में श्रृंखलाओं के लिए हमारा जो निर्भरता कारण है, आर्थिक भू राजनीतिक और जो निश्चितताओं को दूर करने के लिए कुशल कूटनीति की आवश्यकता होगी। समग्र विकास क्या है, ऊर्जा शासन का जो वर्तमान ढांचा है वह जो असंगठित है। समग्र रूप से जो एक शासन और जो प्रशासनिक है जिसे एकीकृत ऊर्जा योजन और जो किन्वान सुगम करने के लिए संस्थान निर्माण किया जाना चाहिए। राजनीतिक कौशल में क्या है, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमें जो अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो ये हमारा वाटर सेल्स। वाटर क्या है, सीट बेल्ट लगाने से लेते हैं। तो नितिन गडकरी जो हैं उन्होंने जो पिछली सीट पर जो बैठते हैं अब जो गाड़ी में, उनके लिए भी सीट बेल्ट के लिए लगाना अनिवार्य बताया है। तो सीट बेल्ट इस्तेमाल के दुर्घटना के मौत के कारण काफ़ी हद तक जो कम किया जा सकता है। हाल ही में जारी एक जो अपराध रिकॉर्ड बोले के अनुसार बताया कि 2021 में सड़क हादसों में जो हमारा ये 1,55,622 लोगों की मौत हुई है और 2000 के बाद जो उच्चतम स्तर है। उद्योगपति और टाटा सन्स के जो पूर्व जो चेयरमैन है साइरस मिस्त्री के सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, ये भी देखो एक्सपायर कर गए हैं। तो इनके लिए भी देखो एक तरह से बहुत बहुत
भगवान इनको अपने जो जब चरणों में स्थान दे। और देखते हैं तो केंद्रीय नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि यदि कार में सभी यात्रियों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा, जिससे पीछे पीछे सीटों पर भी शामिल है, नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखो, और केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यह नया नियम छोटी और सभी प्रकार की गाड़ियों पर लागू होगा, कि नहीं भी छोटी बड़ी पे सभी पे होगा, चाहे कोई आपका अल्टो में है, चाहे आपका पेजारो में, चाहे ओडी में। 2017 के हादसों के बाद जो बेल्ट नहीं लगाने के लिए 26,896 लोगों की जो मौत हुई थी, पीछे सीट पर बैठने वाले के लिए बेल्ट पहनने के लिए परिवर्तन जो भारत में लगभग के न्याय के बराबर है, नीचे नहीं पहनते। और ये हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों की तुलना में लंबाई जो 2% बनाते हैं और जो 26% लोगों की जो मौतों का योगदान करते हैं। NBI के निष्कर्ष अनुसार 2021 में भारत की जो 56% सड़क दुर्घटनाएं ओवर स्पीड के कारण हुई है। राइटर्स है, मृत्यु की दर करने के लिए हमें जो साक्ष्य आधारित जो विशिष्ट भारत विशिष्ट और जो प्रवासी सड़क सुरक्षा नीतियाँ बनानी चाहिए। हमें जो खराब सड़क जो डिजाइन और सड़क आयात बुनियादी ढांचे के रख रखाव को निश्चित करना चाहिए। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को घोषणा की कि 2022 के अंत तक जो लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान इलाकों में अपना पहला जो डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करेगा, उसके लिए यह खगोल विज्ञान पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। व्हाट इज द स्काई रिजर्व? तो स्काई रिजर्व क्या है, देखो इसके बारे में देखते हैं। यह एक जो डार्क होता है, ये डार्क रिजर्व स्थान है जहाँ पर पदनाम है, जहाँ पर निश्चित करने के लिए नीतियाँ और भूमि के लिए पथ की कम जो कीर्तन प्रसार प्रत्यक्ष होगा, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं ना जो नेचुरल होंगी। इंटरनेशनल्स, तो ये ऐसा भंडार जिसमें मौजूद भारत के लिए अभी तक कोई नहीं था। और लद्दाख प्रदेश के लिए सब्सिडाइज का रिजर्व स्थापना अग्रणीय है। समुद्र तल से जो है 4,500 लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के लिए हॉर्न रीडर स्काई रिजर्व जो थांगबांग वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर जाएगा। लद्दाख एक अनोखा ठंडा रेगिस्तान है जो समुद्र के से लगभग जो 3,000 मीटर ऊंचे जो पहाड़ी इलाकों में स्थित है, ये पहाड़ी इलाकों में स्थित है। न्यूनतम तापमान जो -40°C होता है, गिरने के साथ कठोर और सर्दियों में यूटी बड़े जो हिस्सों में अत्यधिक रहने के योग्य बनाते हैं न रहने योग्य बताती हैं। समिति बृहस्पति और ऊंचाई और विरल आबादी के क्षेत्र में स्काई के रूप रिजर्व के रूप में एकदम सही बताते हैं। अब देख लेते हैं, देखो क्यों है ये GS पेपर में है। नेक्स्ट न्यूज है भाई, तो ये है भाई दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपूत जो राजपथ है राष्ट्रपति भवन से जो इंडिया गेट तक फैले हुए का नाम बदलकर जो कर्तव्य पथ रखा गया है, जो PM नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर को सेंट्रल फॉर जो एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे और ये कर दिया, मतलब उद्घाटन क्या तो हिस्ट्री ऑफ द किंग जो किंग से, तो क्या है ब्रिटेन के दोस्तान जो राजपथ को किंग से कहा जाता था, तो बाजी तो वो इंग्लिश में कहा जा रहा है, हिंदी में कहा जा रहा है। तो 1911 में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था कलकत्ता से दिल्ली, तो किंग स्वेन ने 1920 में आपस में जो एडविन रुटियन को और नई दिल्ली के जो आर्किटेक्ट हेरबर्ट को द्वारा जो एक औपचारिक जो बुलेवेड रूप से स्थापित किया गया था। यह जो रायचीना हिल का राष्ट्रपति भवन में विजय और जो इंडिया चौक में गेट जाते हुए जाती है, तो ये देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन। भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम के सड़क जो सम्मान में सड़क का नाम जो किंग्सवे रखा गया था, जो 1911 के लिए दरबार में दिल्ली आए थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद सड़क को जो इसका नाम हिंदी राजपथ दिया गया है, और 75 वर्षों के बाद जो भारत में संस्वतंत्रता के बाद जो से शोपीस स्टेज के रूप में जाना चाहिए और 26 जनवरी को आयोजित किया गया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा पंच परम जो है इंडिया, तो ये फर्स्ट गोल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सेकंड जो हमारा रिमूव टू एनी फेस ऑफ द कॉलोनियल जो माइंडसेट, तो देखो ये सारी चीज़ें हैं। राजपथ को 8 सितंबर को एक औपनिवेशिक अन्वेषण से जो 12 गहा द लीजेंड ऑफ किडनेपी जैसे कभी चार्ज पंचम की मूर्ति थी, उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस में 28 फीट की मूर्ति को बदल दिया जाएगा और भारत की ब्रिटिश सत्ता के लिए अवलेखना के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, PM नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर को एक केंद्रीय योजना PM श्री योजना के लिए घोषणा की और राष्ट्रीय नीति 2020 को कवर करने के लिए पूरे
भारत में जो 14,500 स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा, तो इनको है कि मतलब पुराने को ही अच्छे से कराया जाएगा। पीएम सिटी स्कीम क्या, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस योजना के पास जो पीएम को सिर्फ स्कूल फॉर द राइजिंग इंडिया कहा जाएगा और नवोदय स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय पीएम जैसे स्कूल के लिए एनपी लैब के लिए कार्य करेंगे। तो की फीचर क्या है, एनपी जो विभिन्न चरणों में विभाजित और जो पाठ्यक्रम संरचना की कल्पना करता है, फाउंडेशन प्री और जो ग्रेड 1, 2, 3 ये शामिल किए जाएंगे और प्रारंभिक औपचारिक शख्स के रूप में जो पाठ्यक्रम प्रवेश किया जाएगा। तो मध्य स्तर पर क्या है, शिक्षकों को जो पेश किया जाना चाहिए, जो माध्यमिक चरण जो है ये इनमें विज्ञान तथा विज्ञान के बीच में जो अठित कलगाव की बात करते हैं, तो स्पॉन्स ये हमारा क्या है, स्पॉन्सर स्कीम क्या है, केंद्र सरकार द्वारा जो है क्रियान्वयन लागत के लिए राज्यों केंद्र शासित के लिए 60 और 40 का अनुपात में विभाजित है। पूर्वोत्तर राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बिना जो विधानसभा तक जो शासित प्रदेशों में मामले में केंद्र 90% तक जाता है। जो देख लेते हैं भाई KVS, JNS और जो PM श्री स्कूल, तो केंद्रीय जो ये विद्यालय जवाहरलाल नेहरू जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तरह पूर्व शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है इसमें, और ये केंद्र की योजनाओं के तहत जो केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरह जो वित्त पोषित होती हैं। और इधर देख लेते हैं PM श्री में क्या है, PM श्री जो स्कूल ऑफ वाणिज्य और भारत जो शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय निगमों में जो संचार मौजूदा स्कूलों का जो उन्नयन होता है, इसका मतलब यह है कि जो PM श्री जो स्कूल और कैवी जैसे JNV स्कूल के लिए यहाँ तक कि नगर के लिए स्कूल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई एग्रीकल्चर एंड द एलाइड सेक्टर, भारत की जो जनगणना जो 58% के लिए जो 58% आजीविका प्राथमिक स्रोत है और उनके लिए वित्त 2012 में कुल सकल गिरवृद्धि जो वृद्धि हुई है 18.8% की हुई है। समय की मांग क्या है, किसानों को अधिक समर्थन जो समर्थन में आ सकता है, कृषि के जलवायु परिवर्तन भी उत्पन्न हो जाए जोखिम। समय की मांग कृषि से अधिक करने के लिए उनकी मांग की जा रही है कि भाई उनके डबल केयर दिया जाए, डबल जोखिम स्मार्ट पद्धति पर अपनाएगा। तो समक्ष नीति के लिए माहौल बनाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए जैसे जो किसानों को उत्पादन संगठनों और जो FPO के सरकार द्वारा फोकस और कृषि बुनियाद ढांचे को निर्माण और कृषि निर्यात के लिए वृद्धि और कृषि तकनीकी स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करना है। लेकिन इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें मौजूदा कृषि और जो अनुसंधान प्रणाली को बढ़ाने की जरूरत है। तो देखो ये देख लेते हैं एग्रीकल्चर R&D 0.5% GDP जो सिंस 2001 से और जो नवपर्तन एवं जो वृद्धि ऑफ समाज कल्याण अप्रदायिक निराधक हैं, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा लो एग्रीकल्चर R&D एंड द सेमफुल, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थ जो अनुसंधान प्रणाली है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में ICR को देखकर जो 27,500 कृषि वैज्ञानिक 1,00,000 से अधिक जो सहायक कर्मचारी और कई संस्थाएं जो कृषि विश्वविद्यालय के केंद्र में है, इसके बावजूद यह कृषि जो एवं जो विकास कम है, ये शर्मनाक है। नीड टू द अदर टू, तो तीन स्तंभ है तो उत्पादकता वाहिनीता और लचीलापन और बहुआनिक जो संस्थात्मक जो अभिन्यास है यहाँ पे सामाजिक मुद्दों के में जिम्मेदारी और स्थान विशिष्ट नवाचार। नेक्स्ट है भाई की ऑफ द ये क्या है भाई हमें, तो मल्टी डिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन, तो ये हमारा विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम जैसे पाठ्यक्रम के उपयुक्त की जांच करने की आवश्यकता है, शोधकर्ता शोध शिक्षार्थियों के लिए किसानों को उपयोग उद्योग जैसे बाजार संबंधित आदि में शामिल करने के लिए है और सोशल रेस्पॉन्सिबल स्पीच सतत विकास जो लक्ष्यों के लिए SDC के रूप में सार्थक परिणामों के लिए जिम्मेदार अनुसंधान परियोजना की आवश्यकता है। कृषि अनुसंधान के लिए बजटीय आवंटन अनुसंधान जो 1-2% अधिक उज्जो अंतर्राष्ट्रीय स्थापित करने जिस निजी से बढ़ा देना है और जो लोकेशन स्पेसिफिक इनोवेशन क्या है तकनीकी स्टार्टअप करने के लिए ग्रामीण उद्योगी और युवाओं के लिए आकर्षित करने के लिए विभिन्न जो स्थान विशिष्ट नवाचार प्रणाली का समर्थन किया जाना चाहिए। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी बाढ़ की सामना कर रहा है। नेक्स्ट भाई देखो ये नेक्स्ट न्यूज है जो 1300 से अधिक लोग जो मारे गए हैं और लगभग 3 करोड़ से अधिक जो प्रभावित हुए हैं, तो पाकिस्तान जो है
जिसका सबसे ज़्यादा, तो पाकिस्तान बढ़ाने के कारण जिम्मेदार अमीर देशों को कह रहा है, तो 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है कि बोलो के बोल रहा है कि भाई इसको हमें दो। तो ये क्या है, जलवायु हानि, जो हानिपूर्ति की बात कर रहा है, तो क्लाइमेट तो रिपराइजेशन जो वर्ड निकल के आया उसके बारे में देखेंगे। तो अधिकारियों का कहना है कि देश में एक तिहाई हिस्सा पानी में डूब गया हुआ है, अनुमान है घरों में जो और बुनियादी ढांचे को लगभग जो 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा। तो रिच स्टेट्स मस्ट होते कंपनसेट, उनको जो कंपनसेट करना चाहिए क्लाइमेट क्राइसिस, पाकिस्तान बोल रहा है ऐसा। तो जलवायु सुधार और जलवायु जो जो अन्याय सुधारने के लिए, अन्याय सुधारने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार लोगों को, उन लोगों को सहायता करने के लिए चलना चाहिए जो जिन्होंने अन्याय किया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रदूषण किया उनके लिए बात कर रहा है। जलवायु आपदाओं करने के लिए नुकसान क्षतिपूर्ति मुआवजे की मांग और जो सार्वजनिक रूप से जो प्रदूषण भुगतान, सो जो सिद्धांत का विस्तार है, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत, यह है प्रदूषण न होकर जो उपचारों कार्रवाई लागत के लिए एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, इसके लिए कार्यों पर जो पर्यावरणीय क्षति के लिए शिकार मुआवजा देने के लिए भी है। ये आगे क्या आवश्यक, संयुक्त राज्य अमरीका ने यूरोपीय यूके सहित जो हमारा 1850 से अधिक जो उत्सर्जन 50% अधिक हिस्सा है, इनके लिए आमतौर पर उद्योग के लिए युग के लिए किए जाने वाला युग के बाद जो अधिकांश ग्रीन हाउस उत्सर्जन का योगदान है। यदि रूस, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हो किया जाए तो संयुक्त रूप से जो 65% से अधिक उत्सर्जन 2/3 से अधिक हो जाता है। फिर पृथ्वी की जलवायु का मेज एक से, पृथ्वी की जलवायु एक दिन में नहीं बदलती है, कार्बन डाइऑक्साइड सैकड़ों वर्षों पर जो वातावरण में रहता है, और यह है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो संचरण है जो जो ग्लोबल वार्मिंग कारण बनता है। तो यह है ऊर्जा संस्थान द्वारा आयोजित 20वें विश्व शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन लड़ने का जो एक मार्ग है। तो ये देख लेते हैं ये सारी चीज़ें जिन्हें समझा दिए हैं। फिर हमारा अकेले अमेरिका ने जो उत्सर्जन के विश्व स्तर पर जो देशों को जो 1.9 ट्रिलियन डॉलर से अधिक जो नुकसान पहुंचाया है, और गैर आर्थिक नुकसान में एक मुद्दा जीव वाणि विस्थापन प्रवास विकास का जो प्रभाव आदि जो संस्कृति को जो पहुंचाना है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज और क्लाइमेट में जो, तो विकसित देशों में 2020 तक क्लाइमेट के विश्व 100 मिलियन डॉलर प्रदान करने के लिए प्रतिबंध था, लेकिन जलवायु परिवर्तन का विस्तार में सक्षम हो, वहीं जो विकसित देशों में इस फंड देने के लिए बचने की कोशिश कर रहे हैं, और मुआवजे के खिलाफ जो विकसित देश मौन है, 100 अरब डॉलर के लिए प्रवाह में संघर्ष है। फिर है वर्तमान में बेंगलुरु किस जिले में बाढ़ देखी जा रही है, उसका श्रेय नियोजन हो कर दिया गया है। फिर है जलवायु न्याय और जो पीढ़ीगत जो न्याय के लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है। फिर है इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल इथिक्स के लिए अंतरीय जो नैतिक महत्वपूर्ण है, उनका जो नैतिक उद्देश्य वैश्विक और जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 6 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और चर्चा का फोकस जो भारत और बांग्लादेश में जल्दी द्विपक्षीय वार्ता और जो समझौते के लिए CPI जो बातचीत शुरू हो करेंगे। भारत बांग्लादेश के दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है, पढ़ा दिया मैंने इसके बारे में। बांग्लादेश के लिए मुख्य जो कच्चा कपास जो गैर खुदरा और आदि सब इसमें आते हैं। वही देखो, यदि आज तक की वीडियो थी इसमें करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।